हेलो फ्रेंड्स सिविल डायरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम ये जो शटरिंग है मतलब अपने केस है जो बिल्डिंग के अंदर में जो ऊपर जाने वाला जीना है तो जीना का जो शटरिंग होता है तो इजीली कौन से प्रकार से मतलब जो इसके तीन बॉटम निकालना होता है स्टील जो शटरिंग के होते हैं वो प्लाई के तो तीन मेजरमेंट के प्लाई निकालने होती है एक आपका जो यहाँ पर आप जहां पर खड़े हो फ्लोर लेवल जैसे मान लीजिएगा लेवल का वेट स्लैब का जो ट्रेड और राइजर के बीच में नीचे में रहता है और मिडल जो स्लैब रहता है या आपका वन फ्लैट का जैसा भी वन सिंगल जो रहती है दो दो फ्लैट वाला अपना स्टेयर के से यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ पर मिड लेवल और यहाँ से फिर फ्लोर लेवल जाएगा तो ये टू लेक मतलब टू जैसा है दो फ्लैट का ये स्टेयर के से मान लीजिएगा ये सिंगल फ्लैट का रहता तो इसका भी जो फॉर्मूला है और डबल प्लेट का रहता है तो भी उसका भी फॉर्मूला प्लेट कितना भी होने दे उस लेकिन फार्मूला एक ही है ऐसा जो शटरिंग का प्लाय का जो मेजरमेंट निकालेंगे उसका जो हम आज फार्मूला आपको यहाँ पर और सिंपल और कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं ठीक है और वो फॉर्मूला कैसे आया और वो जो प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है ताकि आपको नए नए वीडियो जो आएंगे तो आपको पता चल जाएंगे तो यहां पर हम जल्दी आज अभी यहाँ पर एक ड्रॉ करते है। सिंगल फ्लाइट जो भी है यहां पर फ्लाइट कर, का ड्राॅइंग बना देते है यहां पर जो है हम एक नॉर्मल या बेसिक मतलब जो है आपको एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर एक स्टेरकेच का जो ड्राॅइंग है वो बना रहे जैसे हम इसमें राइजर वन टू थ्री फोर राइजर है और हमारे जो ट्रेड है वन टू थ्री थ्री ट्रेड के तो नॉर्मली हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो वही हम हर जगह पे आपको यूज कर सकते हैं ठीक है अभी थोड़ा इसको अच्छा सा और ड्रॉ करता हूँ कलर पे आपको जल्दी पता चलेगा तो ये थोड़ा सा हटा दिया क्योंकि बहुत डार्क स्केस था अभी इसको हटा के अभी हम सबसे पहले प्रोसेस यहाँ पर करने वाले जो कि आपको यहाँ पर जो ट्रेड और राइजर के एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं तो मिनिमम जो इसका मेजरमेंट है वो यहां पर लेंगे जैसे कि आपका मेजरमेंट जो है आपका जो यहां से राइजर जो चालू होने वाला है तो इसका हम यहां पर कितना लेते हैं या जो फेस है ये फेस से पंद्रह सौ एम लेते हैं ठीक है थीके? ये फेस से पंद्रह सौ एम ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं हम क्योंकि हमारा जो बीम है बीम का इनर फेस से हम पंद्रह सो एमएम रख रहे हैं ठीक है तेके? तो ये हमारा बीम जो है वो हमारा मान लीजिएगा यहाँ पर दो सौ एमएम का है ठीक है डेप्थ जो भी हो आपके हिसाब से इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं इसका मान लीजिए चलो हम छह सौ एमएम का डेप्थ है ये बीम का हुँ? तो हम आपको यहां पर जो थ्रेटरिंग है पूरी तो कौनसी और कैसे प्लाय की जो मेजरमेंट है वो पूरा निकालनी है और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये शेटरिंग के ये पर जो है जो भी यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ एक कैसे एक पैरापेट पेटवाल खड़ा होने दो या कुछ भी या ब्लॉक वर्क होने दो उससे कुछ अपने को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमारा इन जो बीम का इनर फेस से हमारा पंद्रह सौ हम यहाँ पर फिक्स रखते हैं, ठीक है ठीके? और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? एक जो बीम है सेम बीम के फेस इनर फेस से हमारा जो यहाँ का राइजर जो है वो हमारा सेम वहां से पंद्रह सौ एम एम यहाँ पर भी लेते हैं यानी दोनों तरफ एग्जाम्पल के लिए सेम रहने से हमको जल्दी समझ में आएगा इसके लिए हम दोनों तरफ में सेम रखते हैं देखिएगा यहाँ पर बीम है ये बीम जो हमारा है 200 सौ mm का साइज है और डेप्थ है इसका 600 सौ ठीक है यहाँ पर भी और यहां पर भी दोनों सेम लेते हैं यहाँ का जो हमारा है बीम इनर फेस से अंदर की तरफ से 1500 सो पे हमारा राइजर होगा और यहाँ पर भी बीम के अंदर, अंदर के तरफ से 1500 सो पे हमारा ये फर्स्ट राइजर होगा ठीक है ये हम यहाँ पर ये कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चाहे तो ये पेंसिल थोड़ा डार्क कर सकते थे क्या okay, आपको समझने के लिए ये हमारा जो राइजर है ये ट्रेड यह राइजर ट्रेड राइजर ट्रेड और राइजर अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए इसका मेजरमेंट लगेगा ही हमें ठीक है ये यहाँ यह पर हमें इसका मेजरमेंट निकालना होगा ठीक है ना तो ये मेजरमेंट जो है फर्स्ट हमें क्या करना होगा चलो ये शेटरिंग की बाहर की साइज निकालेंगे तो आपको तो सिंपल पता चलेगा कि आपको यहाँ पर कितना लगेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे साइड निकालना होगा तो आपको क्या करेंगे या एक नीचे सबसे पहले यहाँ नीचे का प्लाय लगाएंगे तो प्लाय लगाएंगे तो कितना दो सौ एमएम का प्लाय बॉटम डालके वहां पर आप इसका बॉटम शटरिंग लगा सकते हैं यहाँ पर होगा तो प्लाय कितना एमएम का आपका 12 mm, 16 mm है आपका साधारणता बारह एमएम सोलह एमएम है ठीक है तो आप उसके हिसाब से यहां पर प्लस करके आप यहाँ का साइड सेटिंग निकल सकते हो मेन पॉइंट जो है वो एक है कि आपका यहां पर जो स्टार्ट होने वाला जैसे कि यहाँ पर हम फ्लोर लेवल लिखते हैं ठीक है ये फ्लोर लेवल है और यहां पर जो है मिड लेवल लिखते हैं ठीक है ना ताकि आपको और थोड़ा सा ईजी जाएगा ठीक है ये मिड और यहां पर फ्लोर लेवल ठीक है ना तो फ्लोर लेवल और उससे जाके यहाँ पर मिड लेवल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें शटरिंग तीन टाइप लग रही है जैसे कि आपको एक फ्लोर लेवल का जो बॉटम है इसका स्टेरकेस का वो बॉटम प्लाई निकालना होगा और मिड लेवल में जो है इसका बॉटम प्लाई ये निकालना होगा मेजरमेंट सबसे पहले ये निकालेंगे दोनों और उसके बाद ही आपका वेट स्लैब जो है बीच में इसको निकालेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको मालूम और होना चाहिए कि आपका जो ट्रेड है वो कितना एमएम का है ये जो ट्रेड है देखिएगा ये साइड में कर रहा हूं या एरो दिखा रहा हूं ठीक है जो आप मतलब जो पैर रखते हो ठीक है जो आपका पैर होता है जहाँ पर पैर रखते हो वो आपका ट्रेड होता है ठीक है पैर रखने वाला चीज क्या होता है ट्रेड यानी टी आपको याद रखने के लिए क्या करना होगा ये टी समझ लीजिए यहाँ पर आप पैर रख सकते तो इसको ट्रेड बोलते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा बार कंफ्यूज होता है ट्रेड क्या होता है राइजर कौन सा होता है ट्रेड कौन सा होता है तो इसके लिए भी आपको एक सिंपल सा याद रखने के लिए जैसे कि आप टी निकालते हो टी ट्रेड में टी आता है फर्स्ट तो टी निकालेंगे तो उसके ऊपर पैर रखने के लिए जगह हो रही है इसके लिए इसको ट्रेड बोलेंगे ठीक है तो ट्रेड जो है हमारा वो है हमारा तीन सौ एम एम ठीक है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं तीन सौ में मैक्सिमम तीन सौ से कम से कम ढाई सौ रहता है और ज्यादा से ज्यादा तीन सौ रहता है अपना देखा है बहुत सारी जगह तो ऐसे ही है कॉमन ठीक है उसके बाद में जो आप यहाँ पर जो खड़ा वर्टिकल में पोशन में रहता है ये होता है राइजर यहाँ पर हम एरो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए राइजर तो राइजर जो है वो खड़ा होता है ठीक है और इसका जो है हम यहाँ पर एक आ, वन फोर्टी फाइव का यहाँ मिनिमम लेते हैं ठीक है एग्जाम्पल के लिए यह हमें जरूरी है कि इसका शेटरिंग जो प्लाई निकालना होगा ये दोनों का तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ट्रेंड और राइजर कितना है वो आपको जानकारी मालूम होनी चाहिए ठीक है ना तो अभी देखिए यहां पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लोर लेवल का बॉटम टोकेंगे क्योंकि नीचे से शुरू करने वाले हैं आप तो बीम का बॉटम और साइड तो निकालेंगे ही अभी मेन फर्स्ट है यहां पर तो यहाँ पर यह प्लाय को जो है इसका नाम एक रखेंगे वन ये फर्स्ट आप यहाँ पर फिक्स करेंगे और सेकंड प्लाय मिड फ्लोर में करेंगे ठीक है ना और थर्ड प्लाय वेस्ट स्लैब में करने वाले बराबर ऐसे ही अपनी यहाँ प्रोसेस होती है हर साइड पे सबसे पहला फर्स्ट प्लाय यहां पर है वो निकालेंगे तो फर्स्ट प्लाय का जो है हम यहां पर मेजरमेंट निकाल लें तो आपको क्या करना होगा देखिएगा अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपका जो फॉर्मूला क्या है कि आपका जो वेस्ट स्लैब का थिकनेस मालूम होना चाहिए वेस्ट स्लैब आपका देखिए फर्स्ट आपको ट्रेड मालूम हो गया राइजर मालूम होना चाहिए ट्रेड मालूम होना चाहिए और वेस्ट स्लैब का थिकनेस वेस्ट स्लैब कौन सा है ये वाला जो आप ट्रेड और राइजर के नीचे में जो कॉन्क्रीट की भराई है वो वेस्ट स्लैब है ठीक है ना यहाँ पर मेंशन करते हैं जो वेस्ट स्लैब है ये वाला और इसका हम यहां पर क्या करते हैं वन सेवेंटी फाइव थिकनेस रखते हैं ठीक है ठेके? ठेके? क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट स्लैब का उसका वेस्ट स्लैब का जो थिकनेस होगा उसी के ऊपर हमारा ये प्रॉपरली पूरा फॉर्मूला फर, है ठीक है यहां पर वेस्ट स्लैब का थिकनेस कितना है वन सेवनटी फाइव यह हमारा थिकनेस है एमएम mm. तो अभी इसको 175 में क्या करना होगा आपको यहाँ पर आ, 175 में जो मतलब ये अपना कॉन्क्रीट थिकनेस है इसको आपको एक फॉर्मूला है वो है हमारा 0.289 ये हमारा फॉर्मूला है ठीक है ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं, अभी देखिए ये जो बॉटम है आपको यहाँ इनर फेस से कितना पंद्रह सो मालूम है ठीक है तो इससे हमारा जो है बॉटम ये आगे जाता है देखिएगा राइजर से थोड़ा होके आगे जाता है हम यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं और यहां पर जो है यहाँ पर एक कॉर्नर की मार्किंग कर देते हैं ये 90 डिग्री में यहाँ पर होगा यहाँ जो है वो 90 डिग्री हो रहा है देखिए जो सीधा है वो 90 डिग्री ठीक है ना यहाँ पर अंदर की तरफ से देखेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ठीक है आपको फॉर्मूला भी कैसा है ना वो आपको यहाँ पर भी बताऊंगा ठीक है यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है देखिएगा ये फॉर्मूला कैसा है ना वो पहले सबसे पहले बताऊंगा ये 0.289 पॉइंट टू से आया ये सब का सवाल है मैंने आज मतलब वीडियो डाला हूं मैंने दो तीन वीडियो डाला लेकिन हर जगह पे यही सवाल है कि आप इसके लिए फिर से एक बार अच्छा की तरह से तरह से बता दीजिएगा थोड़ा हिंदी में थोड़ा कच्चा हो ठीक है वीडियो बनाते टाइम फर्स्ट बना बना हो ज्यादा तो नहीं बना सकता है ठीक है ये 90 डिग्री जो है वो अंदर की तरफ से वो अपना 0.289 कैसे आया तो जीरो पॉइंट टू एट नाइन कैसे में आप जैसे कि ड्राइंग प्रॉपरली बनाते हो होटोकैड में तो ये सबसे पहले एटोकैड में आप ऐसे पूरा ड्रॉ कर देते हो और इसमें बना के इसके बाद आप क्या कर लेना है यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेना नीचे जो राइजर की है वो सीधी लाइन यहाँ आएगी तो यहाँ पर आ जाएंगी तो आपको क्या होगा यहाँ पर देखिए यहाँ सीधा नीचे आया तो इसका और यहां आगे जा जितना गया जो आगे गया ना ये जो आगे गया इतना ये जो 90 डिग्री बन जाएगा लाइन ठीक है तो यहां से लेकर यहां तक फिर आपको लाइन मैच करना है एक जो कॉर्नर है स्लैब का कॉर्नर और ये फ्लोर जो स्लैब का है मान लीजिए तो यहां का जो इसको मैच कर लेना है और इसके अंदर में जो डिग्री आएगा इसके अंदर में मैं देख लीजिएगा यहां पर इसको मैं जो मतलब जिग जा करता हूं ताकि आपको याद रहेगा तो इसके अंदर में जो डिग्री आएगा ठीक है ना ये जो डिग्री है जैसा कि एग्जाम्पल जो भी आएगा जैसे सत्रह अठारह जो भी डिग्री आ सकता है ठीक है उन्नीस आपका पॉइंट पे भी आ सकता है तो उसके ऊपर ही आपको जैसे कि ये साइंटिफिक कैल्स लिया आपने साइंटिफिक कैल्स जो आप कंप्यूटर ये लेते हैं कैलसी लेते हो और यहाँ पर आप जो मान लीजिएगा जो डिग्री है एग्जाम्पल जैसे कि अठारह पॉइंट कुछ जो भी एग्जाम्पल आया अठारह पॉइंट फाइव आपको यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट क्या करना है टेन प्रेस करना है टेन टी एन टेन उसके बाद में जैसे कि उन्नीस पकड़ लो उन्नीस डिग्री आ गया और इक्वल टू कर दिया तो ज, 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 कितना आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री से, जीरो सेवन आ रहा है फिर इसमें डिग्री कम करते हैं देखिए टेन फर्स्ट उसके बाद वन एट अठारह तो क्या आ रहा है जीरो पॉइंट टू नाइन जीरो लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं जीरो पॉइंट टू एट नाइन तो यहाँ पर क्या है जो एवरेज करके पूरा जहां का अभी यहाँ पर आपको फिक्स आपको पता है क्या अठारही आया है या सत्रह पॉइंट नाइन आया है जो भी है आपको आईटो करके पता ही पता चलेगा कि ये डिग्री कितना आया ठीक है ना तो उसके हिसाब से ही ये जो फॉर्मूला है हमारा जो फर्स्ट क्या करना होगा यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखता हूँ फर्स्ट आपका कैलसी में जो है वो टेन प्रेस करना होगा और उसके बाद में आपका जो डिग्री है डिग्री एग्जाम्पल डिग्री है जो है जैसे कि अठारह ठीक है ना तो अठारह डिग्री करेंगे तो टू करेंगे तो आपका जो जो फॉर्मूला है हमारा वो आ जाएगा जो फॉर्मूला है ना ये आपको पता चल जाएगा ठीक है लेकिन आप एटोकार्ड में यहाँ पर प्रॉपरली बनाते हो तो ये डिग्री मालूम हो जाती है यहाँ कॉर्नर की तब आपको प्रॉपरली ये फॉर्मूला कैसे आया पता चलेगा दोस्तों अभी जो ये फॉर्मूला है बहुत साइड में यूज करते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त भी है हर कंपनी में इसका ही ट्रेनिंग भी देते हैं हमारी कंपनी में कि ये वाला अच्छा है वगैरह मतलब इससे पूरा आपका पूरा प्रॉपरली होता है वो और इसी से ही हम साइट में काम करते हैं ठीक है तो ये क्योंकि ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है ठीक है ना तो हम इसको कभी आज तक तो बहुत साइट में हम लोग इसको यूज किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे जैसे कि एटोकैड में ड्राइंग बनाते हो तो उस टाइम आप देखते हो मान लीजिए आपका फर्क मिलेगा तो भी पांच एमएम छत एमएम उसमें आपको पता भी चलेगा नहीं कि यहाँ पर कितना क्रॉस करते कटिंग एक्चुअली प्रैक्टिकल में जाएंगे तो कटिंग करते यहाँ पर ही आपको मैच होता नहीं है थोड़ा फार इधर उधर पांच छमएम इधर उधर तो होता ही है तो आपका ये प्रॉपरली जो है ना ये मेजरमेंट आप यहाँ पर कर लीजिएगा वह आराम से ये वाला साइज आपको वहां पर परफेक्ट वहां पर जाके सेटरिंग यहाँ पर बराबर फिक्स हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ठीक है ये फॉर्मूला आपको कैसे आया तो वो तो पता ही चला अभी इसके हम फटाफट -पत इसके सेटरिंग प्लाई की साइज हो निकालते हैं वीडियो लेट हो रहा है वो नहीं दीजिएगा लेकिन प्रॉपरली ले यहाँ पर समझाएंगे तो टेंशन नहीं अभी देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता चला जीरो पॉइंट टू एट नाइन तो हमारा ये जो इसके ऊपर अभी देखिए हम क्या किया वेस्ट स्लैब का थिकनेस ये वेस्ट स्लैब का थिकनेस है ये बेस लैब है उसका थिकनेस जो है 175 लिया उसको गुना 0.289 पॉइंट फॉर्मूला ले रहे जैसे कि हम यहाँ पर कितना है एक सौ पचहत्तर गुना जीरो हमारा आंसर आ रहा है पचास पॉइंट फाइव सेवन फाइव लेकिन हम यहाँ पर इसको नहीं लेते क्योंकि सिक्स आएगा तो हम यहाँ लेते तो हम कितना लेंगे पचास एमएम ठीक है ना तो हमारा पचास एमएम यहाँ पर आ गया है पचास एमएम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहां जो बढ़ेंगे वो कितना बढ़ने वाला है पचास एमएम और यहाँ पर ऊपर में कितना है पंद्रह सो यानी हमारा जो शेटरिंग का जो प्लाय है शेटरिंग का प्लाय होगा यहाँ से पंद्रह सो पचास एमएम का प्लाय यहां पर फर्स्ट कटिंग करना होगा ठीक है ये हमारा फर्स्ट हो गया काम अभी यही फॉर्मूला का जो आंसर है हम डबल अभी यहां पर फॉर्मूला का आंसर निकाल के कोई जरूरत नहीं ये फॉर्मूला का जो आंसर आया वही हम यहां पर लेते हैं अभी सेकंड प्लाई के लिए सेकंड प्लाई के लिए जो फॉर्मूला का आंसर है वही यहाँ जैसे कि पचास में हम लेते हैं जहां आपने प्लस किया था नीचे में अभी ऊपर में क्या करना होगा ऊपर में हमें माइनस करना होगा क्योंकि वो अंदर की तरफ में प्लाई देखिएगा यहाँ राइजर आगे गया है और प्लाई यहां तक तो इसमें माइनस करना होगा तो इसमें क्या क्या माइनस करना है दो ही चीजें एकदम सिंपल देखिए जो आंसर आया वो आपका जितना इधर बड़ा वो आंसर इधर पचास एम लिया उसके बाद में और क्या माइनस करना है ट्रेड जो हमारा ट्रेड आया है ट्रेड कितने का है तीन सौ एमएम का तीन सौ एमएम का ट्रेड यानी टोटल कितना हो जाता है ये वाला ये होता है हमारा तीन सौ पचास एम एम बराबर है ना तो हमारा तीन सौ पचास क्या करना होगा जो आपकी या आप इनर फेस से हमारा जो दिखाया गया था पंद्रह बीम का ये राइजर तो इनर फेस से हमारा इसका बॉटम ठोकने वाले सेकंड प्लाय का हम क्या करने वाले हैं इसमें जो हमारा आंसर आया ट्रेड और जो फॉर्मूले का आंसर आया था बड़ा हुआ यहाँ नीचे पे वो हमें यहाँ सिर्फ माइनस करना है यानी हमारा जैसे कि 1500 सो माइनस तीन ठीक है हम यहाँ पर एक आपको कंफ्यूज नहीं होगा बोल के करते हैं पंद्रह जो ऊपर यहाँ पर जो पंद्रह दिया है वो माइनस आपका ये बना हुआ पचास और हमारा ट्रेड ये दोनों माइनस कर दिया ट्रेड और देखो पचास हुआ आंसर और ट्रेड ये दोनों होता है साढ़े तीन सौ और हमारा फ्लैट कितना है यहाँ से पंद्रह सो पंद्रह सो माइनस साढ़े सात साढ़े तीन सौ तो हमारा बचेगा कितना देखिये पंद्रह सो माइनस तीन सौ पचास हमारा बच रहा है ग्यारह सो पचास तो हम यहाँ ग्यारह सौ पचास लिखते हैं, यानी जो हमारा शेटरिंग जो है वो हमारा ग्यारह सो पचास आ रही है ठीक है ये इनर फेस से लेकर ये हमारा यहां तक ठीक है हम यहाँ पर जो है के लिए यहाँ पर देखिए जो ग्यारह सो पचास का किया है वही जो है हमारा ग्यारह सो पचास का यहाँ शेटरिंग दो नंबर में आया ठीक है और एक नंबर में जो आया था वो देखिए यहाँ पर कितना आया पंद्रह सो पचास एक नंबर वाला तो हमारा फॉर्मूला देखिए यहाँ पर पचास माइनस किया ठीक है ना ये आपको प्रॉपरली समझ गया अभी आपको देखिएगा ये आपको पता चल गया कि आपका टोटल फर्स्ट वाला फ्लाई का सेकेंड वाला फ्लाय का आपका मेजरमेंट निकलना आ गया अभी रह गया लास्ट की वेस्ट लैप का आपका मेजरमेंट कितना होना चाहिए तो उसको देखिएगा सिंपल आप लोग को हमें क्या करना होगा ज्यादा ज्यादा देखिए आपको ये बॉटम लेवल है अभी यहाँ पर थिकनेस कितना होगा यहाँ पर जो है स्लैब का भी 175 है क्योंकि सब जगह सेम ही होता है ठीक है इसका भी 175 है इसका भी वन सेवेंटी फाइव है स्लैब का जो भरा ही है वो 175 सेवेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव अभी देखिए यहाँ पर एक काम करते पर इस लेवल से जो है आपको तो ये बॉटम कितना डालना होगा 175 सेवेंटी फाइव यानी बॉटम तक यहां तक मान लो ये लाइन मार दिया ठीक है आपको यहां पर मेन बात आपको हाइट निकालना होगा तो आपको प्रॉपरली इसको वहां से पचहत्तर हम डाउन कर दिया ठीक है फिर आप क्या करने वाला है यहां पर भी क्या करने वाला है हम क्या करते हैं यहां से जो है आपको हाइट कितना है टोटल आपको निकालने के लिए देखिए यहां से क्या करते हैं इसका भी बॉटम माइनस करते हैं जो भी आएगा ना क्या एक आगे ले, ले लेते हैं अभी लिखा हुआ तो है ये फर्स्ट ये कितना सेकेंड वाला फ्लाई का ये फर्स्ट वाला फ्लाई का देखिए मेजरमेंट देखिए फर्स्ट फ्लाई यहां का जो बॉटम है उसका लेवल और सेकेंड फ्लाई यहां पर ठोका है उसका लेवल लेवल आपने फर्स्ट और सेकंड के एक बॉटम देखो लाइन मार दिया यहां पर भी बॉटम लाइन मार दिया सीधा ठीक है या क्लियर हो गया अभी इसका जो हाइट है ओ एच यानी एच जो निकालने वाला है वो थ्री तीन नंबर का जो प्लाय है उसका हाइट निकालने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है तो हाइट अभी कैसे निकालेंगे यहाँ पर आपको जल्दी से पता चलता आपको हो आपको तो अवेलेबल मालूम ही होना होगा लेकिन तो भी फिर से यहां बता था अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर वन कितना है अपना राइजर है कितना वन फोर्टी फाइव राइजर कितना है राइजर है? है वन फोर फाइव और राइजर कितना है देखिए यहाँ पर एक लाल पेन से लेते ताकि आपको पता चले है. एक दो तीन चार हमारा कितना राइजर है चार राइजर है एक देखिए एक दो तीन चार चार राइजर है ने, जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा एक सौ पैंतालीस गुना चार हमारा आंसर आ रहा है पांच सौ अस्सी में हम्म पांच अस्सी एम एम हमारा अस्सी एम एम क्या आ रहा है एच आर आई एच आई जी एच डी हाइट हाइट हमारा राइजर जो निकल रहे है वो पांच सो अस्सी आया ठीक है ना हाइट निकालने के लिए क्या हुआ राइजर हम कितना है चार है वन टू थ्री फोर और कितना राइजर है देखिए हाइट निकालने के लिए वो राइजर गुणोचार नंबर है पांच सौ अस्सी एम एम हाइट आया हमारा यहाँ पर हाइट आया पांच सो अस्सी अभी आपको यहाँ पर निकालने के लिए क्या होगा ये पांच सो अस्सी का हाइट निकल गया अभी देखिए यहां पर देखने जाएंगे तो आपको यहां से ये जो प्लाय है ये सीधा होके यहाँ पर ऊपर लेके जाना होगा ये यहां पर हाइट है मान लीजिए यही हम यहां पर लिखे हुए हैं ठीक है अभी यहां पर आप देखिए हम एक साइड में लिखते हैं देखिए जहां पर जो हम डॉट डॉट करके यहां निकालने वाले और यहां पर हमारा वेस्ट ठीक है ना तो हमें डायगोनल ही निकालना है ज्यादा कुछ निकालना नहीं है बट हमें ये जो है देखिये आपको यहाँ पर ऐसा निकाल के दिखा रहे है जैसे लेवल आपको निकालना आना चाहिए इसके लिए आपको प्रॉपरली दिखा रहा है इस बॉटम लेवल का और इस बॉटम लेवल का लेवल आपको पता होना चाहिए तो ये देखिए ये बॉटम है और ये बॉटम है फर्स्ट बराबर ना इसका लेवल और इसका लेवल आप निकालेंगे तो एच निकालेंगे तो हमारा कितना आया एच पांच सौ अस्सी एम एम आया एच ठीक है ये चमरा कितना आया यहाँ से अभी हमें क्या निकालना होगा ये वाला ट्रेड वाला ट्रेड जो है इसका जो साइज है मतलब अभी तभी ना आप डायगोनल निकालेंगे ठीक है इसके लिए अभी यहां पर राइजर और ट्रेड में अभी यहां पर कंफ्यूज हो गए आपको कैसे निकालेंगे तो एक सिंपल होगा यहां पर हम क्या करेंगे लाइन मारेंगे ठीक है और यहां पर एक लाइन मारेंगे ये क्या लाइन है देखिएगा बीम का देखिए जैसे टॉप लाइन में जो यूज करेंगे ना आप एग्जांपल के लिए ये बीम है एग्जांपल के लिए बीम का आप जो यहाँ पर ये करेंगे ना रेस्ट पे फ्लाइट जो है हमारे बीम पे रेस्ट करने वाली है तो ये बीम का हम यहाँ पर मेजरमेंट कितना है ये हमारा बीम जो है वो दो का बीम है ना अपना और यहाँ पर भी दो का बीम है बराबर है ना अभी यहाँ पर सिंपल से एकदम जल्दी से निकलने के लिए अभी आपको क्या था बीम अंदर की फेस की तरफ से और यहाँ पर भी बीम का अंदर की तरफ से फेस से कितना है अपना पंद्रह सो और यहां पर भी हमारा पंद्रह सो अभी यहाँ का अंतर कैसे पता चलेगा ना यहां पर आपका नहीं समझ में आया तो यहाँ पर जल्दी निकाल सकते हैं प्लान निकाल देने का यहाँ पर आराम से जल्दी अभी देखिए जैसे अभी यहाँ पर कितना है ट्रेड है तो ट्रेड कितने का है हमारा 300 सौ mm का तो अभी यहां पर हम ट्रेड काउंटिंग करेंगे हमारे ट्रेड कितने हैं देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखिए कितने ट्रेड है हमारे तीन ही ट्रेड है देखिए एक दो तीन यहां पर देखिए एक दो और तीन हमारा तीन ही ट्रेड है क्योंकि यह तो फेस से लिया हुआ है ये भी फेस से मार्किंग है अभी हमारा वन टू थ्री ट्रेड है तो थ्री ट्रेड यहाँ पर ले लेंगे ठीक है थ्री नंबर्स तो हमारा कितना हो गया तीन त्रिक नौ यानी नौ सौ एमएम जो हमारा है नौ सौ एमएम का यानी ये वाला जो साइज कितना निकला नौ सौ एम एम बराबर ना तो नौ सौ एम जो है यहां पर आ रहा है ठीक है लेकिन आपको ये तो आपको पता चल गया कि ये आपका डायगोनल है लेकिन जो आपका जो शटरिंग में बॉटम हुआ है ना वो इन है कैसे निकालना है अभी देखिए यहां पर तो आपका एक एक जो बॉटम है वो कितना आया था आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉटम कितना आया था पंद्रह सो पचास ठीक है ना पंद्रह सो पचास और यहाँ का कितना आया था देखिए यहां पर ग्यारह सो पचास आप डायरेक्टली ले लेंगे तो फिर यहां पर फंसेंगे ठीक है ना तो इसके लिए हम ये दो फ्लाय आपको मालूम हो गया तो टेंशन खत्म यानी ये फर्स्ट वाला ये सेकेंड वाला फ्लाय जो आंसर है यहाँ पर देख लीजिएगा यहां भी एक लिखते हैं ये फर्स्ट वाला फ्लाय सॉरी यहाँ भी फर्स्ट है ना सॉरी ये फर्स्ट है ये सेकेंड है ये फर्स्ट वाला फ्लाय यहाँ पर हम काउंटिंग ये कर रहे हैं फर्स्ट वाला फ्लाय यहाँ पर भी फर्स्ट वाला फ्लाई लिखते और इसको मार्किंग करते और यहाँ पर जो है वो सेकंड वाला फ्लाय जो यहाँ पर सेकंड वाला फ्लाई जो है मार्किंग और यहाँ पर सेकंड वाला फ्लाय आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे मेजरमेंट निकाल सकते थे ठीक है ये आपको आता था अभी ये दोनों पॉइंट में क्या खराब मतलब चेंजेस होता है वो देखते अभी देखिए जैसा आपका अंदर तो अंदर मालूम हो गया कि आपको यहां से टोटल ये पंद्रह सो था ये नौ सौ ये आपको क्या निकालने के लिए चाहिए था ये देखिएगा यहाँ हम इतना क्यों कैल किया यहाँ पर 1500 सो या पंद्रह सो या नौ सो ये ट्रेड वाला आया हुआ ये बॉटम का जो आया हुआ था मतलब जो राइजर स्टार्ट होने वाला था नहीं क्या राइजर स्टार्ट होने वाला था तो ये क्या है जो हमारा आंसर पहले सबसे पहले अंदर का अंदर जो है वो कितना है वो पूरा इसका जो मेजरमेंट है वो लेंथ निकालना चाहिए और जो भी हो तो उसमें क्रॉस चेक करना इम्पोर्टेंट है होगी तो भी हमें क्रॉस चेक करना ये बहुत जरूरी है ठीक है अभी पंद्रह सौ पंद्रह सौ यानी तीन मीटर और ये नौ सौ यानी हमारा कितना होगा यहाँ पर तीन मीटर नौ सौ का ये हमारी लंबाई है ठीक है ना ये लंबाई है हमारा तीन मीटर नौ सौ ये इंपॉर्टेंट बात है ये आपको मालूम होना चाहिए यानी तीनों कैलसी करके ये वाला टोटल मालूम होना चाहिए अभी टोटल मालूम होगा तो यहां से माइनस कर सकते ये दोनों ये दोनों माइनस कर सकते ठीक है यहाँ पर टोटल कितना है तीन मीटर नौ सौ माइनस कितना है यहाँ का पंद्रह सो पचास फर्स्ट वाला प्लाय और सेकंड वाला प्लाय कितना है ग्यारह सो पचास यानी हमारा बचा कितना बारह सो में यानी यहां पर जो है ये मेजरमेंट करना है यहां पर अभी तो कितना लेना चाहिए बारह सो पचास और एच को हम लेवल की तरफ से लेवल से निकाला था इसके लिए एच जो है हमारा देखिए फाइनल है पांच सौ अस्सी इसके लिए हमने रेड पेन से यूज किया था यहाँ पर भी रेड पेन से लिखा है ताकि जो रेड पेन से लिखा है वो आपको यहाँ पर अभी डायगोनल निकालने के लिए इसका फ्लाई का जो है वो आपका डायगोनल निकलेगा ये दोनों आंसर से फिर से बताता हूँ ये एच है इसका बॉटम और इसका बॉटम फर्स्ट वाला प्लाय सेकेंड वाला प्लाय का बॉटम का एच निकाला लेवल ठीक है हाइट हाइट निकालने के बाद क्या किया हमने यहाँ पर जो आपका फर्स्ट प्लाय सेकंड प्लाय जो है आपका अंदर अंदर जो है यहाँ का मेजरमेंट बीम का इनर फेस टू बीम का इनर फेस आपका टोटल लिया उसमें क्या किया आपने फर्स्ट वाला अप्लाई और सेकंड वाला अप्ला अप्लाई माइनस किया माइनस करने से आपको ये वाला इसकी जो साइज है वो पता चले हाइट पता चला और इसका ऐसे, ऐसे जो साइज है बेस वाला वो पता चल गया अभी आप यहाँ पर डायगोनल निकाल सकते हैं ठीक है ना तो डायगोनल है वेस्ट लाइफ का कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है फॉर्मूला मैं बारह कैसे दिख रहा है ना आपको ये सौ पचास हमारा ये हमारा ये रूट बटन दबाने का प्लस हमारा कितना है पांच सौ अस्सी का एच फिर रूट इक्वल टू और इक्वल टू होने के बाद में यहां पर जो है हमारा ये होने के बाद आपका जो है स्क्वायर बटन प्रेस कर देने का और इक्वल टू दबाने यानी यानि तेरह सो अठहत्तर एम एम देखिएगा एक मिनट क्लियरिटी थोड़ा कितना तेरह सो अठहत्तर एम एम हमारा आ गया यानी जो हमारा जो प्लाय है ये कितना होना चाहिए तेरह सो अठहत्तर एम एम जो हमारा वेस्ट लैब का जो प्लाय कितना है ये तीन नंबर का प्लाय है कितना आना चाहिए तेरह सो अठहत्तर एमएम का हमारा प्लाय होना चाहिए यहाँ पर तीन नंबर की अप्लाय करते हैं देखिएगा ये हमारा तीन नंबर की प्लाय यहाँ पर वेस्ट लैब के लिए तीन नंबर लिखा था ऑलरेडी यहाँ तेरा सो अठहत्तर एम की फ्लाई बिठाना है यहाँ देखिए आपको ये आपको फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आया हुआ वही सेम यहाँ पर वेस्ट लैब में यहाँ पर प्रेस कर दिया यहाँ पर मतलब आपकी जो शटरिंग है वेस्ट लैब की जो है आपके अंदर पूरा टोटल कितने होने चाहिए लंबाई जो फ्लाई है ये लगना चाहिए तेरह सो एम एम का ये देखिए तेरह सो एम एम का तो आपका ये प्रॉपरली केस यहाँ पर होगा दोस्तों देखिएगा ये आपको एकदम इजी तरह तरह से काम करना चाहिए तो ये बराबर प्रॉपरली आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे स्टेयर स्टेरकेज इजी ठोकना है ताकि आप यहाँ पर आईटू में समय व्यक्त करेंगे तो बहुत सारा समय आपका जाता है ठीक है तो आप यहाँ पर ऐसे एकदम जीरो पॉइंट टू एट नाइन जो फॉर्मूला है थिकनेस है उससे आप करते हो तो ये प्रॉपरली आपका सेट हो जाता है माइंड में फिर से बोलता हूं जैसे कि वेस्ट लैब जो थिकनेस होता है उसका गुना जीरो पॉइंट टू एट नाइन करेंगे जो आंसर आएगा वो पचास में का जो अंदर अंदर प्लाय का आपका मेजरमेंट मालूम होना चाहिए अंदर अंदर कितना से राइजर चालू हो रहा है वहां से बढ़ाना है फॉर्मूला में जितना आया उसके बाद में ये जो जितना फॉर्मूला का आंसर आया था वाला और ट्रेड का जो हमारा है वो हमें टोटल कैलकुलेशन करके हमारा जो मेन जो है अंदर अंदर की तरफ से राइजर कितना स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ये वाला माइनस कर देने का है 350 350 माइनस करने से ग्यारह सौ पचास आएगा ये वाला हमारा दो नंबर का प्लाय बन जाएगा उसके बाद में जो हमारा है तीन नंबर का वेस्ट स्लैब वेस्ट स्लैब का क्या करना होगा आपको सबसे पहले इसका लेवल फर्स्ट वाला प्लाय का लेवल और सेकेंड वाला प्लाय का लेवल फर्स्ट निकालना होगा पांच सौ अस्सी जैसे यहाँ पर लिखा था उसके बाद में आपको ये जैसे कि इनर से इनर आपको टोटल बीम का इनर टू इनर कैलकुलेशन निकालना होगा जैसे पंद्रह सो ये पंद्रह सो और इसमें जो ट्रेड होता है वन टू थ्री ट्रेड है यानी टोटल ट्रेड कितना था नौ सो तो ये सब कैल्सी करके आपका जैसे कि तीन मीटर नौ सौ आ रहा था उसमें हमारा वन और टू यानी ये जो पहला प्लाय और दूसरा प्लाय माइनेज कर देना है जो बचेगा वो आंसर जैसे कि यहाँ पर आपको 1250 दिखाया था तो 1250 जो है वो आंसर यहाँ पर लेना है और ये 580, सौ ये दोनों का डायगोनल निकालना है आपको डायगोनल निकालने के बाद में जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ पर सेट हो गया और आपका ये शेटरिंग प्रॉपरली कंप्लीटली हो गए और ऐसी शेटरिंग आप ठोकेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं आप कौन से भी साइड में जाओ कौन से भी राइजर ट्रेडर की हाइट होने दो थोड़ा भार पाँच दस एमएम का पांच एम एम सात एम आठ एम का प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पर निकालने के लिए लेकिन जो आपका यहाँ जितने भी लेते हो तो प्रॉपरली जो है ये शटरिंग परफेक्टली बैठेगा क्योंकि चार पांच एम सात एम का कुछ भी शटरिंग में ऐसा तो मेरे को लगता नहीं क्योंकि कटिंग जो होती है वहां पर तो कटिंग से आपका बराबर या, मैच हो जाएगा उसके बाद में ये भी बराबर राइजर और ट्रेड बराबर बैठ जाएगा ओके थैंक यू सो मच दोस्तों आप अब तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बना इसके तो मैं वहां माफी मांगता लेकिन बहुत इसमें नॉलेज देना पड़ेगा प्रॉपरली देंगे तभी आपका यहां पर समझ पाना था नहीं तो बहुत बार लेट होने से मतलब स्लो करेंगे और जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाएंगे इसके लिए थोड़ा टाइम लिया आपने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करो थैंक यू सो मच